हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.3 की हमने अभी तक प्रोबेबिलिटी के दो एक्सरसाइज uh, कंप्लीट देख 5.1 एंड 5.2 अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए इंट्रोडक्शन ले लीजिए बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस थे 5.3 में भी हमें अभी तक प्रोबेबिलिटी सॉल्व नहीं करनी है सिर्फ सैंपल स्पेस निकालना है एंड इवेंट्स जो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो इवेंट्स होते हैं उसके हमें खाली यानी कितने वो outcomes आते वो आते हैं निकालना है। so let's see that first question क्या है? क्या अभी तक तक हमने हमने ये करा था 5.2 यही चीज की सैंपल स्पेस लिखना सीखा एंड एन एस दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखना सीखा ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट एन एन बी एन सी सो लेट सी फर्स्ट वाला क्या है वन डाई इज रोल्ड तो जब एक डाई रोल होता है तो अब आपको पता होगा अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि एक डाई रोल होने पे क्या क्या आउटकम्स आते हैं सो so, हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा एन एस बी सिक्स होगा इवेंट हमारी अलग अलग क्या है इवन नंबर पहला ए इवेंट है इवन नंबर आना चाहिए अपर फेस पे बी इवेंट है और नंबर आना चाहिए अपर फेस पे एंड सी इवेंट है प्राइम नंबर आना चाहिए अपर फेस पे so let's see that let me share the whiteboard with you guys and us pe hum karenge ye practice set 5.3 probability ka first question hamara main event hai a die is roll a die is rolled तो एक die roll होने पे क्या क्या outcomes आते हैं हमें पता है sample space

Even number का event. So, ए हो जाएगा हमारा। अब इसमें से इवन नंबर कौन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कौन, so, okay? so, कौन से कौन से हो गए टू फोर सिक्स राइट टू फोर सिक्स सो एन यानी कितने नंबर्स है टोटल कितने आउटकम्स है तो वन टू थ्री थ्री आउटकम्स है टोटल सो so, एकदम सिंपल सा इवेंट ही हो गया इवेंट बी हमारा है इवेंट बी हमारा है टू गेट ऑड नंबर टू गेट ऑड नंबर ऑड नंबर लाना है हमें सो so, बी में क्या आएगा एकदम सिंपल अगेन ऑड नंबर इसमें कौन से है अगेन वन थ्री एंड फाइव तीन ही नंबर है वन थ्री एंड फाइव नंबर ऑफ बी हो गया थ्री टोटल कितने outcomes है तो so, बड़े आसानी से सब कुछ box करते जाओ Main answer, ये हमें फाइंड करने बोला था एंड सी में हमें प्राइम नंबर चाहिए इवेंट सी हमें चाहिए इवेंट सी शुड बी द प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस सो इवेंट

एन ऑफ सी हो गया मेरा थ्री सो so, ये सिंपल सा आंसर था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत ही ईजी बहुत आसान सा सैंपल स्पेस हमने लिखना था तीन इवेंट उन्होंने दिए थे हमें एंड हमने वो यू uh, नो you know, बड़े आसानी से सॉल्व कर लिए होप आपको समझ में आया लेट्स सेकेंड क्वेश्चन क्या है

टेन एंड सी में है सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसिस क्या होता है एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड पेट सी सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर टू चल रहा है हमारा नाउ जब टू डाइस डायेगा प्लूरल टू डाइस इज आर रोल्ड तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है अब ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बहुत अच्छे से लिखना है वन वन और पूरा लिखना है ठीक है फिर वन टू फिर वन थ्री फिर वन फोर फिर वन फाइव वन सिक्स एक लाइन में सिक्स ही लिखिएगा फिर उसके नीचे ही चालू करेगा टू वन टू 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 थ्री टू फोर टू फाइव टू सिक्स फिर थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये कैसे बनता है अगर आपको ये नहीं पता है तो प्लीज एक बार स्टार्टिंग का वीडियो देखेगा स्टार्टिंग का वीडियो देखेगा अच्छे से तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये सैंपल स्पेस कैसे बनता है ओके okay. फोर एक डाइस में फोर आया दूसरे में फिर टू आया उसी तरह से फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर थोड़ा सा टीडीएस जॉब लगेगा आपको लेकिन ये लिखना कंपलसरी है और जरूरी है तभी आपको आइडिया आएगा और लास्ट हमारा सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री

अपर फेस पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ये अपर फेस में हमें मल्टीपल ऑफ सिक्स ने बोला था मल्टीपल ऑफ uh, हमें लाना है सो so, ये पहले समझना है अपर फेस यानी जो डाई जो होता है डाय जो होता है एक सो so, ये रफली मैं एक डाय बना रहा हूं थोड़ा सा सो so, यहाँ नंबर अलग होता है यहां नंबर अलग होता है राइट सो अपर फेस में वो कह रहे हैं अपर फेस में ये कह रहे हैं कि मल्टीपल ऑफ सिक्स आने चाहिए मल्टीपल ऑफ सिक्स तो ये उसके मल्टीपल है तो नाउ हमने टू डाई थ्रो किया है तो अगर टू डाई थ्रो किया है तो मैक्सिमम सिक्स के मल्टीपल इसमें से कौन से आ सकते हैं लास्ट हमारा यहाँ पे जरा देखिए अगर आप तो देखिए अगर मैं फर्स्ट आपको काउंट कराता हूँ अपर फेस के दोनों डाय को ऐड करना है सो so, अगर यहाँ पे वन वन है तो ये वन वन को ऐड करता हूं तो टू आता है राइट right? ये वन टू है वन टू को ऐड करता हूं तो कितना होता है थ्री आता है इस तरह से ये लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे जब आप दो डाय थ्रो करते हो तो अपर फेस पे जो है अपर फेस पे जो है वो उसका टोटल करने पर उसका टोटल करने पर, पर मल्टीपल ऑफ सिक्स आना चाहिए तो इसमें जरा हाईएस्ट नंबर चेक करो सिक्स प्लस सिक्स कितना है ट्वेल्व इट मींस दैट हमारे मल्टीपल्स में से सिक्स और ट्वेल्व ये दोनों टोटल ही हमें चेक करना है इसके अलावा दूसरा कोई नंबर तो एटीन तक तो जाने नहीं वाले ट्वेंटी फोर तक जाने नहीं वाले इट मीन्स हमें सिर्फ इसके अंदर हमारे सैंपल स्पेस में वो नंबर्स चेक करने जिसका टोटल सिक्स होगा जिसका सम करने पे सिक्स आएगा और ट्वेल्व आएगा ये दोनों नंबर आएगा तो एक तो मुझे पता है कि सिक्स और सिक्स ट्वेल्व uh, होता है दूसरा अब मुझे देखना है कि कौन से नंबर ऐड करने पे ट्वेल्व uh, या सिक्स आएगा अब कॉमन सेंस अगर लास्ट नंबर ही ट्वेल्व है इट मींस बाकी मुझे सिक्स का टोटल ही मिलने वाला ट्वेल्व कहीं और मिलेगा नहीं ओके okay? क्योंकि ये सारे उससे छोटे नंबर है ना कॉमन सेंस की बात है फॉर एग्जाम्पल ये देखिए सिक्स फाइव कितना होता है इलेवन होता है टेन होता, होता है तो ये सारे छोटे नंबर ही है राइट सो नाउ लेट्स लुक आउट फॉर सिक्स एंड ट्वेल्व तो मैं यहाँ पे एक पहले शॉर्टकट में लिख रहा हूँ फिर उसको अच्छे से लिखेंगे ये बस आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ तो पहला नंबर हमारा सिक्स सिक्स है

तो ये थोड़ा दिमाग लगाना है अब बाकी आप चेक करो तो आपको अब जब सिक्स आना है तब रुक जाना है वन सिक्स आएगा सेवन होता है टू वन थ्री होता है टू टू फोर होता है टू थ्री फाइव टू फोर तो टू फोर तो टू फोर तो, अगर टू फोर आया तो फोर टू भी आएगा कॉमन सेंस है तो दोनों को ऐड करके फोर प्लस टू करो या टू प्लस फोर करो आंसर सिक्स आता है विच इज अ मल्टीपल ऑफ सिक्स तो ये लॉजिक आपको थोड़ा बताना है सिंपल अभी जरा देखिए पैटर्न कैसा जा रहा है थ्री थ्री तो देखिए थ्री थ्री तो अब जरा देखिए डायगोनल पैटर्न बनेगा इसलिए मैंने आपको बोला था एक लाइन में बनाना तो देखिए फाइव वन फोर टू थ्री थ्री टू फोर और ये सारे के सारे टोटल इनके सिक्स है बाकी कोई दूसरे नंबर ले लो उसका टोटल सिक्स नहीं होगा इन शॉर्ट मल्टीपल ऑफ सिक्स वो नहीं होगा और मैक्सिमम नंबर ट्वेल्व है वो हम लोग ने सिक्स सिक्स करके देख लिया है ओके okay. सो so, इस तरह से हमें ये नंबर मिल गए जो हमें लिखने हैं सो लेट्स राइट इट डाउन इन द इवेंट ए इज अवेंट जिसमें मुझे मिला स्टार्टिंग फ्रॉम वन फाइव से स्टार्ट करेंगे 1, 5, फिर फाइव वन फिर टू फोर फिर फोर टू थ्री थ्री एंड लास्ट वाला सिक्स एंड सिक्स सो इतने ही मुझे नंबर्स मिले जिनके अपर फेस यानी कि ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ अपर फेस पे दोनों को दोनों डाई दो डाय हम लोग थ्रो कर रहे थे राइट दो डाय थ्रो कर रहे थे एक साथ में राइट सो so, दो डाय को थ्रो करने पे अपर फेस पे मल्टीपल ऑफ सिक्स आता है एन ए इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सो ये काफी इजीली आई होप आपको समझा होगा इवेंट बी क्या था इवेंट बी क्या था तो इवेंट बी एक और बार जरा टेक्स्ट बुक देख लेते हैं इवेंट बी इवेंट बी था द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द अपर फेस इज मिनिमम टेन तो मिनिमम टेन चाहिए हमें इस बार मिनिमम टेन तो मिनिमम टेन का मीनिंग आपको समझना है पहले इवेंट लिख रहा हूं मैं अपर फेस शुड बी मिनिमम मिनिमम टेन का मतलब होता है कम से कम टेन यानी कि 10 भी टोटल हो सकता है सम सम है फिर से समेशन हो रहा है ठीक है सम हो रहा है यहाँ पे भी सम यानी ऐड करना है दोनों आंसर्स को अपर फेस को ऐड करना है 10 भी हो सकता है 11 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है तो इस बार ये नंबर्स को चेक आउट करना है तो इसमें से मैं थोड़ा अननेसेसरी चीजें हटा दे रहा हूं पहले और इस बार हमें टोटल ढूंढना है जिसका या तो 10 आएगा या तो 11 हो सकता है या तो वो ट भी हो सकता है तो ये चीज इस बार ध्यान देनी है समेशन अपर फेस पे शुड बी मिनिमम मिनिमम टेन मिनिमम टेन तो ये मिनिमम वाला समझना आपको लॉजिक तो अभी आपको आइडिया गया होगा कि स्टार्टिंग में आपको मिलने नहीं वाले पीछे की तरफ से मिलेंगे तो ये देखिए सिक्स सिक्स ठीक है फाइव सिक्स सिक्स फाइव 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 टेन ओके फाइव सिक्स इलेवन सिक्स फाइव इलेवन होता है सिक्स फोर टेन होता है और फोर सिक्स भी टेन हो जाएगा तो ये आपको लॉजिक समझ में आ गया पीछे की तरफ ही मुझे मिलने वाले थे इसके ऊपर जितना भी नंबर होगा आप चेक कर लो कहीं पर भी आपको टेन से छोटा नंबर मिलेगा देखिए यहाँ पे थ्री सिक्स कितना है नाइन फाइव फोर कितना है नाइन फोर फाइव नाइन कितना है फोर फाइव कितना है नाइन सिक्स थ्री कितना है नाइन ये सारे नाइन नाइन है सो so, इसके नीचे सारे आप जितना आप ये डायरेक्शन में जाओगे ये डायरेक्शन में जाओगे आपको छोटे नंबर ही मिलने वाले हैं तो ये हमारे नंबर मिल गए हमें फोर सिक्स फाइव फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स सिक्स फाइव एंड सिक्स तो लेट्स जस्ट राइट इट डाउन कि बी वुड बी माई स्टार्टिंग फ्रॉम फोर सिक्स फोर फाइव फाइव भी था फाइव फाइव पहले फाइव फाइव फिर फाइव सिक्स सिक्स फोर सिक्स फाइव एंड सिक्स सिक्स सो ये जो नंबर्स लिखे इनके टोटल अपर फेस के सम करने पर कम से कम दस है कम से कम दस यानी कि ग्यारह भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा और बारह भी हो सकता है तो ये लॉजिक आपको समझना है मिनिमम टेन का मतलब क्या होता है कम से कम दस आना ही चाहिए था तो ये दस और ग्यारह और बारह एन बी वन टू थ्री फोर तो फाइव सिक्स टोटल सिक्स फिर से मिले मुझे आउटकम्स इवेंट सी था इवेंट सी था कि दोनों अपर फेस का सेम नंबर होना चाहिए तो डायरेक्ट आप समझ सकते हो अपर फेस पे सेम डिजिट होना चाहिए सेम डिजिट तो एकदम सिंपल है ये आप आपको डायरेक्ट आना चाहिए ओरली वन वन सेम डिजिट आना चाहिए टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव एंड सिक्स सिक्स तो ये सेम डिजिट वाले इतने ही है एंड सी इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगेन सिक्स सो ये कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर टू भी हमने कर लिया बड़े आसानी से बड़े इजीली यही आपका आंसर है फाइनल हमने एन ए एन एस एन ए एन बी एन सी ढूंढ लिया लेट्स मूव अहेड आगे देखेंगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमलटेनियसली अब थ्री कॉइन्स का भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे उसका हमें सैम्पल स्पेस लिखना है कंडीशन फॉर इवेंट इज टू गेट एटलीस्ट टू हेड्स तो पहले इतना करेंगे फिर आगे का बात करते हैं क्योंकि हमें टेक्स्ट बुक चेक करनी ही पड़ती है सो so, पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखते हैं Question 3 का तो uh, so, में आपको लिखना सिखा चुका हूँ इसका भी अगर आपने नहीं सीखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। हेड 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 से चालू करते हैं हम लोग फिर एक एक टी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं एक एक टी इंट्रोड्यूस करते जाते हैं ओके, एक-एक इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, हर एक पोजिशन पे एक बार टी आना चाहिए सेंटर में आ गया लेफ्ट में आ गया राइट में आ गया अब दो टी एक ह, हर जगह पे एक, -एक बार एच आएगा हर जगह पे अब एक एक बार एच आएगा तो ये मैंने टेक्निक बताई थी कैसे आप याद रखोगे और वो भी हो गया तो फिर ट्रिपल टी इस तरह से टोटल एट आपको मिलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ns आपको 8 मिलना ही चाहिए अगर ये नहीं मिला ये फिक्स है ये सारे चीजें फिक्स है इसलिए इसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं जिसके आउटकम फिक्स है लेकिन कौन सा आएगा वो रियल में नहीं पता सो so, ये ns निकाल दिया बड़े आसानी से इवेंट अब पहला हमने देखा इवेंट a क्या था तो इवेंट a इनका इस बार था एटलीस्ट एट लीस्ट उन्होंने कहा था एट लीस्ट कितने हेड थे बाबा एट लीस्ट एट लीस्ट टू हेड्स बोला था उन्होंने एट लीस्ट टू हेड्स तो एट लीस्ट टू हेड्स मतलब कम से कम दो हेड्स आने चाहिए अगर कम से कम है तो ज्यादा से ज्यादा में तीन भी आ सकता है तो ये यहां पे लॉजिक समझना है कि टू हेड्स के साथ तीन वाला भी आएगा तो इवन डे आप अगर आपको अच्छी तरह से यू you नो know, याद है तो खुद से ही आप लिख सकते हो टू हेड्स वाले जितने हैं आप खुद ही बना सकते हो आपको सैंपल स्पेस फिर से देखने की जरूरत भी नहीं है तीन हेड वाला क्यों आया क्योंकि देखो एटलीस्ट वर्ड है इस पे ध्यान देना थोड़ा सा एटलीस्ट बोला तो कम से कम दो हेड कम से कम है तो उससे ज्यादा भी हम जा सकते हैं ठीक है इसका दूसरा ऑपोजिट होता है एटमोस्ट इसका दूसरा ऑपोजिट सम सम आता है एटमोस्ट तो जब एटमोस्ट बोला होता है तो जो भी नंबर बोला है जैसे कि एटमोस्ट टू बोला होता तो उसमें हम लोग फिर वन हेड वाला भी इंक्लूड करते थे तो ये थोड़ी चीजें याद रखना एटलीस्ट okay? में स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है और हम लोग उसके ऊपर की तरफ जा सकते हैं एंड एटमोस्ट में एंडिंग पॉइंट दिया रहता है और उसके नीचे की तरफ जा सकते हैं नंबर ऑफ ए टोटल चार आपको वैसे मिले तो ये हमने फोर लिखा बहुत आसान बहुत ही सिंपल लेट सी बी इवेंट क्या देख क्या हमको बोला था बी और सी देख के आते हैं सो कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड एक भी हेड नहीं आना चाहिए मतलब एक ही आंसर है इसका डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं टी 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 बी वन होगा कंडीशन फॉर सी इज टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन सेकेंड कॉइन पे हेड आना चाहिए मतलब सेंटर में हेड आना चाहिए तो सेंटर में हेड भी कितनी बार होगा सिर्फ ट्रिपल में होगा और एक बार डबल में बीच में था तभी होगा और दो दो के टाइम पे भी देखना पड़ेगा सो so, लेट्स पहले तो बी इवेंट कर लेते हैं ओरली देखिए एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना तो ओरली जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे आपको ओरली आ जाएगा सो बी वॉज नो हेड्स नो हेड्स हेड्स इट नो मतलब क्या होगा एक ही सिनेरियो है जरा सैंपल स्पेस में देखिए सब में हेड है सिर्फ एक ही सिनेरियो ऐसा है जिसमें हेड नहीं है विच इज योर लास्ट वन दैट इज योर ऑल टेल्स तो इट मींस यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है बी इज एवेंट जिसमें टेल्स ही है तीनों कॉइन के अंदर तीनों कॉइन के अंदर टेल्स तो एन ऑफ बी इज वन बहुत आसान बहुत सिंपल सी इवेंट उन्होंने क्या बोला था हमें कि मिडल में हेड जाना चाहिए तो इवेंट सी में हमें मिडल यानी सेकंड कॉइन मिडल नहीं बोला था सेकंड कॉइन में उन्होंने हेड बोला है हमें राइट right? तो जरा देखो सेकंड कॉइन में यहाँ पे हेड कहाँ पे है लेट मी इरेज दिस तो देखिए यहाँ पे सेकंड कॉइन है सेकंड कॉइन समझता है फर्स्ट कॉइन सेकंड कॉइन एंड थर्ड कॉइन तो हर एक में सेंटर देखना है तो इधर एक वन मिला इधर हेड है इधर हेड है इधर हेड है एंड बस तो हमें ये इतने आंसर मिल चुके हैं तो वो हम लिख देंगे दैट इज एच 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 फिर टी एच एच फिर uh, एच एच टी और टी एच टी ओके सो ये हमें मिल चुका है सो लेट्स राइट दिस डाउन सी head head head, फिर हमने देखा head head टी फिर हमने देखा टी हेड हेड और दूसरा था जिसमें टी हेड और टी तो सेकेंड कॉइन में सब में ये सेकेंड कॉइन में सब में हमें क्या मिला हेड्स मिला इसके अंदर सेकेंड कॉइन सब में क्या आया हमें हेड्स आया तो वन टू थ्री फोर फोर ऐसे सिनेरियोज आए जिसमें हमें सेकेंड वाला जो है हेड मिलता है सेकेंड कॉइन जो है हेड मिलता है सो so ये आपका क्वेश्चन थ्री भी बड़े आसानी से बड़े सिंपल तरीके से हो गया लेट्स सी Uh, आगे क्या है फोर्थ क्वेश्चन टू डिजिट नंबर जीरो नंबर बनाना है तो ये इम्पोर्टेंट ऐसा भी हमने एक बार देखा है सब तो हम फिर से करेंगे पहले सैंपल स्पेस इसका बनाते हैं फिर आगे का हम करेंगे ओके सो टू डिजिट नंबर बनना चाहिए इंपॉर्टेंट है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डिजिट का इस्तेमाल करते हुए सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड क्वेश्चन नंबर फोर फॉर्म टू डिजिट नंबर यूजिंग टू थ्री फोर फाइव विदाउट रिपीटेशन वो इंपॉर्टेंट है ठीक है विदाउट रिपीटेशन मतलब फाइव फाइव नहीं लिख सकते हो फाइव फाइव दो बार नहीं ऐसा लिखते हो टू ट्वेंटी टू नहीं लिख सकते हो विदाउट रिपीटेशन सो so नंबर्स कौन से कौन से बनेंगे अब सैंपल स्पेस लिखते हैं ध्यान से पहले जीरो पहला लिखोगे अगर समझो जीरो तो ये टू डिजिट नंबर नहीं है जरा सोचो क्योंकि जीरो का का आगे वैल्यू नहीं होता है तो ये वन डिजिट नंबर हो जाएगा तो जीरो आगे लिखना ही नहीं है तो स्टार्ट कहां से करेंगे वन से स्टार्ट करेंगे सो टेंस प्लेस पे वन आया तो यहाँ पे एक एक नंबर लगाते जाओ एक बार जीरो लगाएंगे अब वन मत लगाना नेक्स्ट क्योंकि क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है ठीक है तो नेक्स्ट नंबर हो गया खुद का नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर टू तो बन गया बन 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 गया, बन गया, फिफ्टीन बन गया। तो आपको आइडिया आ गया कैसे करना है वन के बाद थ्री से चालू करो थ्री जीरो थ्री वन, थ्री टू थ्री थ्री मत लिखना थ्री फोर थ्री फाइव थ्री खत्म हो गया फोर जीरो फोर वन फोर

टू फोर आता है वो सारे इवन नंबर्स होते हैं तो लेट्स एंड इवन नंबर सो कुछ इस तरह से अब यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं ए इवेंट ए इवेंट टेन ट्वेल्व फोर्टीन ट्वेंटी थर्टी थर्टी टू थर्टी फोर फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी टू फिफ्टी फोर तो ये सारे के सारे इवन नंबर्स है इसके अलावा जितने भी नंबर है वो सारे के सारे ऑड नंबर्स है तो ये जरा ध्यान से करिएगा इसमें मिस्टेक मत करिएगा एन ऑफ ए अब इसको काउंट करो कितना होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट

से डिवाइड होना चाहिए तीन के टेबल में इन शॉर्ट आना चाहिए तो वो चीज हम अब देखेंगे डिविजिबल बाय तो लेट मी राइट क्वेश्चन इवेंट बी हमें रहे हैं डिविजिबल तो आपको डिविजिबिलिटी भी चेक करने आनी चाहिए डिविजिबल बाय थ्री यानी कि बेसिकली थ्री के टेबल में वो आना चाहिए नंबर ओके okay? तो ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ नीचे के अंडरलाइंस ताकि हम अब थ्री वाले टेबल पे ध्यान देंगे तो अब थ्री के टेबल में कौन से आते हैं तो मैं सर्कल्स करूंगा तो थ्री के टेबल में ट्वेल्व आता है मुझे पता है फिफ्टीन आता है मुझे पता है ओके सो अब रहा सवाल सर ये ट्वेल्व फिफ्टीन तो हमको भी पता था बहुत सिंपल था लेकिन सर बड़े नंबर का कैसे चेक करेंगे तो अब मैं वो आपको टेक्निक बताता हूं जिसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं तो कैसा है ना पहले ट्वेल्व में देखते ट्वेल्व आता है कंफर्म कैसे करूं जो नंबर है उनको ऐड करो ऐड करने पे जो नंबर आता है वो टू थ्री के टेबल से मतलब थ्री के टेबल में आना चाहिए देखिए जैसे कि फिफ्टीन को चेक करने के लिए वन फाइव सिक्स तो ये तो छोटे नंबर तो पता है ना थ्री के टेबल में आते हैं तो इस तरह से चेक किया जाता है तो लेट्स सी आ, सिर्फ आ, आपको नेक्स्ट बताता हूँ देखिए ट्वेंटी तो टू प्लस फोर आया इट मीन सिक्स अगर थ्री के टेबल में आता है ट्वेंटी तो फोर भी थ्री के टेबल में आएगा एक दूसरा रैंडम बताता हूं जो थ्री में नहीं आता ताकि आपको और समझे मुझे चेक करना है ट्वेंटी है कि नहीं आता है तो मैं 2 प्लस 5 करूंगा 7 आता है और 7, 3 के टेबल में नहीं आता है इट भी नहीं आएगा ओके तो ये लॉजिक थोड़ा याद रखना उस हिसाब से हम फटाफट अप कर देंगे तो थर्टी फिर थर्टी वन नहीं आएगा थर्टी टू नहीं आएगा थर्टी फोर फोर थ्री सेवन होता नहीं आएगा फाइव थ्री एट होता है नहीं आएगा फोर जीरो

ट्वेल्व uh, फिफ्टीन हमारा ट्वेंटी uh, फोर अच्छा ट्वेंटी थ्री है, है तो ये भी आता है ओके, सो so, ध्यान दीजिएगा हमेशा थोड़ा मैंने भी इसमें मिस आउट कर दिया देखा सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नंबर मिले मुझे ओके होप आपको ये समझा डिविजिबिलिटी आराम से एक एक नंबर पे आप चेक कीजिएगा ओके And, uh, let's write it down this numbers so b event hai hamara ye b है हमारा ये brackets ka है हमें hai का इस्तेमाल करना है अच्छे से se so, हमारा raha tha से हो रहा था tha से हो रहा था 12, 15 21 ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फिर थर्टी थे थर्टी फोर्टी टू फोर्टी फाइव 30, 42, 45, 54 है, 51 है, है. तो ये ये इतने मुझे मिल चुके हैं, जो मेरे सारे के सारे नंबर जितने भी हैं, थ्री से डिवाइड होते हैं जो काउंट हमने किए तो हमें नाइन मिले वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो

50 50, 50 50 50 बोल रहे 50, यानी 50 नहीं होगा, 50 से ज़्यादा। so, देखते हैं क्या-क्या आएंगे हमारे यहां पे। so, greater than 50 is 51, 52, 53, 54। चार नंबर ही है एकदम सिंपल सा कोई इसमें uh, you know, मगजमारी नहीं। 51, 52, greater than है, ये सारे सारे। के एन ऑफ सी हो गया चार टोटल देयरफॉर लिख के बॉक्स कर दिया दैट्स इट फाइनल आंसर हो गए तीनों इवेंट हमने कर दिए क्वेश्चन 4 के क्वेश्चन 5 देखेंगे फ्रॉम थ्री मेन टू वुमेन एनवायरमेंट कमेटी ऑफ टू पर्सन इज टू बी फॉर्म तो पहले देखिए थ्री मेन है और टू वुमेन है तो पहले इनका सैंपल स्पेस हमें बनाना है थ्री मेन अब हमें इन्होंने हमें मेन का कुछ नाम वगैरह नहीं दिया है तो हम M1, M2 और M3 लेंगे ये बात आपको लाइक थोड़ा समझना है यहाँ पे ठीक है कि हम लोग हमको उन्होंने कुछ नाम वगैरह तो नहीं दिया है तो एम वन एम टू एम थ्री और वुमेन का डब्ल्यू डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू इस तरह से हम लोग लेंगे एंड एनवायरमेंट कमिटी ऑफ टू पर्सन इज फॉर्म तो एट ए टाइम टू पर्सन ही चाहिए हमें राइट तो दो दो की जोड़ी बनाते जानी है हमें इसके अंदर ओके सो लेट्स गो टू यू नो व्हाइट बोर्ड और ये देखते हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करेगा ये ये इंपॉर्टेंट मार्क करेगा ये वाला क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा इंपॉर्टेंट मार्क करिए नॉर्मल से एकदम अलग है स्पेस किन चीजों को यूज करके बनाना है तो मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ मैन वन तीन मैन चाहिए मुझे मैन वन एम वन एम टू एम थ्री एंड टू वुमेन्स में से बनाना है राइट सो दब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू ओके तो ये आपको थोड़ा यहाँ पे समझना है कि हमें इनको कंबाइन करके दो दो की जोड़ी बनानी दो दो की जोड़िया तो देखिएगा पहले स्टार्ट करिए एम वन से और हमें कुछ और डिटेल नहीं बोला कि रिपीट नहीं हो सकता ये सारी चीज हमें कुछ बोली नहीं है ओके सो so, वो चीज भी हमें ध्यान देनी है एक बार मैन वन हुआ तो उनके साथ दूसरे कमिटी पार्टनर कोई भी हो सकता है सो लेट्स से एम टू है ओके okay? तो ये एक पेयर हो गया फिर अगेन पहला वाला फर्स्ट मैन ही था लेकिन इस बार उसके साथ मैन थ्री है तो ये एक हो गया नाउ लेट्स से कि मैन वन ही था लेकिन इस बार उन्होंने एक वुमेन को ले लिया तो वुमेन वन आ गई उसी तरह से मैन वन ही था लेकिन वुमेन टू हो गई ओके okay? तो ये कुछ लॉजिक से आपको अब बनाना है ये लॉजिक आपको इस्तेमाल करना है नाउ यहां पे मैं आपको जो बोल रहा था रिपीट वाली बात तो यहाँ पे लॉजिक समझना है मैन वन यानी आपको अभी मैन वन और मैन टू में कंफ्यूजन ना हो तो लेट से एक नाम देता हूं मैं राज और सुरेश अब राज और सुरेश की कमेटी बोलू या सुरेश और राज की कमेटी बोलू तो एक ही बात होती है राज और सुरेश की कमेटी बोलू या सुरेश और राज तो एक ही बात होती है तो यहाँ पे अब रिपीट यानी M2 और M1 नहीं आना चाहिए कॉमन सेंस की ये बात है ओके okay. सो so, जैसे नंबर्स में हम 24 और 42 दोनों अलग नंबर है लेकिन यहाँ पे M2 और M1 लिखने जाओगे तो वो एक ही कमेटी बनेगी तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है तो M2 के साथ अब M1 नहीं आ सकता नेक्स्ट M1 नहीं आ सकता M2 खुद खुद के साथ दो बार दो पर्सन सेम हो सकते नहीं हो सकते तो एम तो ये बात मैं बोल रहा था कि रिपीटेशन वाली बात आपको यहाँ पे थोड़ी ध्यान देनी है। तो M2 के साथ इस बार थर्ड मैन आ गया थर्ड मैन एक बार नहीं आया तो यहाँ पे समझो विमेन विमेन वन आ गए और फिर लास्ट ऑप्शन बचा एम टू के साथ ओके सो okay? so ये अगेन सारे के सारे ऑप्शंस खत्म हो गए नेक्स्ट हम जाएंगे एम थ्री के पास एम थ्री के पास अगर हम जाते हैं एम थ्री के पास अगर हम जाते हैं सो अगेन अब आपको याद रखना है आप एम वन नहीं लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर किया है ओके okay? आप एम टू भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये हमने कवर किया है एक ही चीज हो जाएगी वो इसीलिए आपको वो भी ध्यान देना है तो एम थ्री के साथ बेसिकली आगे वाला ही जाना है यानी विमेन 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 और अब वन का चालू करेंगे तो विमेन वन और विमेन टू एक ही ये बचेगा ऑप्शन इनके पास क्योंकि मेन के साथ सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं तो इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगाना है साइड में रफ में पहले ये लिखना ऐसे या आंसर में भी आप लिख सकते हो कि लेट टेक थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन टोटल टेन लोग ऐसे होते हैं होप आपको समझा इंपॉर्टेंट है ये काफी समझना लॉजिक समझना इसके पीछे का पहले लेट्स सी इवेंट्स क्या क्या इसमें से निकालने थे फर्स्ट इवेंट देर मस्ट भी एटलीस्ट वन विमेन मैंने अब भी आपको बताया least का मतलब क्या होता है कम से कम एक यानी ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकती है इसके हिसाब से राइट right? तो इवेंट है लीस्ट कम से कम वन विमेन होनी चाहिए कमिटी में ठीक है सो so, अगर वन विमेन होनी चाहिए इट मीन टू भी हो सकती है तो वन विमेन वाला पहले सिलेक्ट कर लो सारा का सारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ऐसे सेवन है जिसमें विमेन मौजूद है कम से कम एक विमेन मौजूद है ओके okay? बहुत सिंपल है बहुत आसान ओके लेट्स जस्ट राइट इट डाउन ये इवेंट ए है हमारा सो so, थोड़ा गर्ल ब्रैकेट अच्छे से बनाइएगा ओके मैन वन विमेन वन मैन वन विमेन टू अब हर एक मैन के साथ जोड़ी है इनकी तो नेक्स्ट वाला एंड एम थ्री के साथ भी और लास्ट में खुद ही दोनों विमेन हो सकती दोनों विमेन क्यों आ रहा है एटलीस्ट वन है एटलीस्ट वन मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एन ए मुझे मिला एन ए मुझे मिला सेवन होप आपको ये समझ में आ रहा है ओके okay? बहुत सिंपल बहुत ही आसान नाउ लेट्स सी इवेंट बी क्या था सो so, फिफ्थ का बी वन मैन वन वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म तो एक मैन और एक वुमेन होना चाहिए तो बहुत सिंपल सा एक मैन एक वुमेन होना चाहिए कमिटी के अंदर सो बी इज वन मैन वन वुमेन ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ये आपको अच्छे से पूरा लिखना है जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया ना कंडीशन फॉर बी वो अच्छे से लिखना है ठीक है तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अब मेन आंसर मैं अच्छे से से लिख रहा सो बी so, का वन वन मैन और वो कौन से है, तो ये थोड़ा मैं हटा देता हूं एंड वन मैन वन विमेन तो डबल वुमेन को छोड़ के मेरे ख्याल से अब तक जितने सिलेक्टेड थे वो सारे के सारे आने ही वाले हैं राइट क्योंकि वन वुमेन वाले में सारे वो कवर हो गए थे सो so, इसका हम लिखेंगे एम वन वेमेन वन फिर एम वन और वेमेन टू फिर एम टू और वेमेन वन और एम टू और वेमेन टू फिर एम थ्री और वेमेन वन और एम थ्री और वेमेन टू ओके सब में एक एक बार मेन वेमेन आ गए सो दीज आर द नंबर्स तो एन बी इज टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कॉमन सेंस है लास्ट वाले से एक कम आया क्योंकि इसमें डबल इंक्लूड नहीं हुई ओके सो सी 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 वाला आप देखेंगे इवेंट 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 क्या क्या है क्या है है शुड नॉट बी अ बीमेन मेंबर एक भी वीमेन मेंबर नहीं होनी चाहिए मतलब सिर्फ मेन मेंबर होने चाहिए सो लेट्स सी के ऐसा कौन सा कंडीशन है तो बहुत सिंपल है ये फर्स्ट सेकेंड uh, नहीं विमेन है इसके अंदर ये ओके okay, बाकी सबके अंदर विमेन मौजूद है तो बस तीन है हमारे पास तीन ऑप्शन है जिसके अंदर आ, सिर्फ मेन मौजूद है तो लेट्स राइट एम वन एम टू एम वन एम थ्री एम टू एम थ्री सी इवेंट सी जिसके अंदर एम वन एम टू फिर एम वन एम थ्री एंड एम टू एम थ्री बहुत ही आसान था ये वाला बहुत ही इजी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अलग था बाकी सबसे आपके जो सैंपल स्पेस होते उससे अलग था इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था ओके सो आई होप आपको समझा हो तीनों हमने इवेंट्स निकाल दिए सारे सब कुछ हमने लिख दिया लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखेंगे अ कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली तो ऐसा भी हम लोग सैंपल स्पेस एक बार देख चुके कॉइन और डाई का तो लेट्स राइट इट डाउन फर्स्ट अगेन क्या होता है एंड uh, फिर हम आगे का इवेंट्स पढ़ेंगे सो द सैंपल स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो थोड़ा सा ओके अ कॉइन अ कॉइन वन कॉइन एंड वन डाई वन डाई तो इसमें आपको याद रखना है कॉइन के ऑप्शंस क्या है हेड एंड टेल्स जबकि डाई के ऑप्शंस है 1 2 3 4 5 6 ओके सो ये सैंपल स्पेस इससे क्या बनता है ये इंपॉर्टेंट है तो एक बार h1 ओके okay, h1 फिर एक बार ओके ब्रैकेट ये हटा देता हूँ ओके okay, एक बार h1 हेड्स आया और तब डाय में नंबर बना है लेट्स से अगेन हेड्स आया लेकिन डाय में नंबर टू आया अगेन हेड्स आया लेकिन डाय में नंबर थ्री आया उसी तरह से h4 h5 h6 राइट right? ये एक्स्ट्रा कॉमा आ गया एच सिक्स नाउ समझो हेड्स नहीं आया था टेल्स आया था लेकिन इस बार नंबर वन आया तो टी वन इस बार नंबर टू आया तो टेल और डाई में टू नंबर टी थ्री टी फोर टी फाइव एंड टी सिक्स डाय के सारे नंबर खत्म हो गए तो ये कुछ इस तरह से आपको सारा सैंपल स्पेस मिलता है एन एस कितना हो जाएगा कॉमन सेंसेस सिक्स सिक्स आपको दिख रहा है टोटल तो ट्वेल्व होगा ये पहला क्वेश्चन हो गया एन एस इवेंट अब देखेंगे जाके क्या है हमारा इवेंट लेट्स सी में इवेंट टू गेट हेड एन एन ऑड नंबर अच्छा हेड आना चाहिए पक्का है साथ में ऑड नंबर ही होने चाहिए ऑड नंबर ही होने चाहिए so, तो इसके अंदर देखिए हेड यानी कि पहले ऊपर वाली रो ही देखनी है टेल को देखना ही नहीं अब इसमें ऑड नंबर सिर्फ सिलेक्ट करो ऑड नंबर सिर्फ सिलेक्ट करेंगे तो वन थ्री और फाइव है ना तो एच वन एच थ्री एच फाइव तो यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं ए इज एवेंट ऑफ आपको पूरा लिखना है वो पहले a इज एवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड एंड ऑड नंबर तो आंसर आएगा एच वन एच टू सॉरी थ्री एंड एच फाइव ऑड नंबर ठीक है एन ए हो जाएगा आपका थ्री टोटल थ्री है वैसे कुछ भी हो सकता है लेकिन साथ में चाहिए इवन नंबर साथ में चाहिए इवन नंबर ये भी बहुत आसान बहुत सिंपल इसके अंदर अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके अंदर हेड uh, टेल कुछ भी चलेगा मुझे लेकिन इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर मतलब ये रहे ये सारे ऑप्शन राइट right? तो एच टू टी टू एच फोर टी फोर एच सिक्स टी सिक्स तो B अब लिख देते हैं B इवेंट हेड और टेल ये आपको एक्चुअली क्वेश्चन से ही लिखना है मैं अभी एक पर लिख के दिखा रहा हूँ हेड और टेल चलेगा विथ इवन नंबर ये जरूरी है इवन नंबर ओके सो एक्चुअल में ये मेन आपका आंसर है जिसमें आप थोड़ा अच्छे से ब्रैकेट बनाएंगे। ओके, okay, सो so, हमने देखा हेड और इवन नंबर चाहिए, तो मुझे इवन नंबर्स पता है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। हेड टू, हेड फोर, हेड सिक्स, टी टू, टी फोर एंड टी सिक्स। ओके, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, इजी, इजी पीजी। ओके okay. एन uh, बी कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल सिक्स आउटकम्स है जिसके अंदर एक हेड या टेल आएगा साथ में एक इवन नंबर जरूर होगा बहुत इजी बहुत आसान लेट्स सी लेटी वाला इवेंट क्या है लास्ट हमारा नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन सेवन एंड टेल ऑन द कॉइन तो ये तो कॉमन सेंस है डाई में ये तो हो ही नहीं सकता डाई में सेवन से बड़ा नंबर तो आता ही नहीं सिक्स लास्ट नंबर है तो ये क्या होगा इसका सेट सेट होगा नल सेट खाली सेट खाली ओके सो ये भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया है लोगों ने तो ये ऑफ नल सेट ओके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना इसको प्लीज बहुत आसान बहुत इजी तरीके से हमने छ के क्वेश्चंस कर दिए आई होप आपको समझ में आओ लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बाद में ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज थी एंड uh, बड़ा मजा आया आई होप आप ये शेयर करें लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अब तक आपने नहीं किया बहुत सारे प्यारे प्यारे के वीडियोज आपको मिलेंगे थैंक यू सो मच बाय टेक केयर